साइकिल पंचर लगाने वाले को बदमाशों ने मारी गोली। आज तड़के सुबह फरीदाबाद के NH5 में एक साइकिल पंचर वाले को बदमाशों ने गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। गोली लगने से साइकिल वाले की मृत्यु हो गई। बालिका सुरक्षा पर पोस्टर मेकिंग और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन। सराय के सरकारी स्कूल में लेडी बैमफोर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा बालिका सुरक्षा को लेकर कॉम्पिटिशन का आयोजन किया गया। बलमगढ़ में गौ तस्करों ने गौ रक्षकों पर चलाई गोलियां। फरीदाबाद के सेक्टर 3 में गौ तस्करी की सूचना मिलने पर गौ रक्षकों ने तस्करों का पीछा किया। तस्करों द्वारा गोलियां चलाई गई और अंत में गौ तस्कर मौके से फरार हो गए। ऑपरेशन प्रहार आगामी 24 घंटों में होगा शुरू। हरियाणा में पुलिस को चुस्त दुरुस्त करने के लिए गृह मंत्री अनिल विज ने मोर्चा संभाल लिया है। ऑपरेशन प्रहार आगामी 24 घंटे में शुरू होगा। नई सरकार की घोषणा अनुरूप इसे प्रदेश को नशा मुक्त करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सांभर झील त्रासदी 11 दिनों में 18,000 पक्षियों की मौत। राजस्थान के सांभर झील में 11 दिनों के अंदर 18,059 विदेशी पक्षियों की मौत हो चुकी है, जिससे हड़कंप मच गया है। खट्टर हुए मंत्रियों पर मेहरबान, गरीबों को किया दरकिनार। हरियाणा मंत्रिमंडल की पहली बैठक पर सवाल उठने लगे हैं। खट्टर सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी और अपने मंत्रियों पर मेहरबान दिखाई दी। अध्यापकों ने स्कूल परिसर में छात्राओं के उतरवाए कपड़े। पश्चिमी बंगाल के एक स्कूल में अध्यापकों ने छात्राओं के जबरन लेगिंग्स उतरवाई, जिस पर अभिभावक नाराज है। वहीं शिक्षा मंत्री ने सख्त जाँच का आश्वासन दिया है। प्रियंका का बयान, सोने की चिड़िया को खोखला कर बेच रही मोदी सरकार। एयर इंडिया और BPCL को बेचने पर सरकार को घेरा। JNU में नहीं थमा बवाल, आज नेत्रहीन छात्रों ने सरकार के रवैये के खिलाफ हल्ला बोला। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।